दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर्स के खिलाफ एक स्पेशल ऑपरेशन चलाते हुए विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार और साथ ही इस वक्त जेल में बंद खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 9 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने गैंगस्टर्स के खिलाफ ये स्पेशल ऑपरेशन दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में चलाया, क्योंकि पुलिस को ये जानकारी मिल रही थी कि कुछ ऐसे शार्प शूटर्स हैं जो लॉरेंस बिश्नोई और साथ ही गोल्डी बरार से काफी ज्यादा इंस्पायर है और सोशल मीडिया के जरिए एक बड़ा गैंगस्टर बनने की चाहत में ये लोग लॉरेंस बिश्नोई और साथ ही गोल्डी बरार के जितने सोशल मीडिया पर पेज बने हुए हैं उनमें जुड़ते थे और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये लोग कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की सुपारी लिया करते थे। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 7 पिस्टल और इसके साथ ही काफी बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इन शार्प शूटर्स की जब गिरफ्तारी की गई तो पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि ये लोग भी गोल्डी बरार और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई जैसा बड़ा गैंगस्टर बनना चाहते थे। सोशल मीडिया के जरिए ये लोग कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो है वो लिया करते थे और किसी को भी मारने की सुपारी सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हें दी जाती थी। साथ ही अभी तक की पूछताछ के बाद इन लोगों से लगातार ये पूछताछ हो रही है कि इनके और साथी कहां छिपे हो सकते हैं, लेकिन ये जो 9 शार्प शूटर्स जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को ऐसा लगता है कि कई सारी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो है वो होने से बच गई है, क्योंकि जब ये लोग मंशा बना रहे थे, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को संपर्क कर रहे थे, उससे पहले ही पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन चलाते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन 9 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है और इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए हैं। कैमरामैन मुकेश सिन्हा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।